बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने फॉर्म्स इन एमएस एक्सेस के टॉपिक को मुकम्मल कर लिया था, यानी एमएस एक्सेस में आप किस तरह से फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर्म्स को डिजाइन कर सकते हैं और साथ के साथ फॉर्म्स में मल्टीपल कंट्रोल्स को आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर नंबर 16 का दूसरा पार्ट रिपोर्ट्स इन एमएस एक्सेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि रिपोर्ट्स होती क्या हैं, एमएस एक्सेस में आप इसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्ट्स क्या हैं? रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइज एंड समराइज डेटा फॉर व्यूइंग ऑनलाइन और फॉर प्रिंटिंग। यानी दोस्तों, रिपोर्ट्स दरअसल आपके डेटा को, आपके रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन देखने के लिए और साथ के साथ प्रिंट करने के लिए यूज की जाती है। यानी दोस्तों, आमतौर पर जो आपका डेटाबेस होता है, अगर आप उस डेटा की कोई फिजिकल फाइल बनाना चाहते हैं किसी हायर मैनेजमेंट को दिखाने के लिए या कस्टमर्स को दिखाने के लिए, तो उसके लिए आपको उस डेटाबेस को रिपोर्ट्स की शक्ल देना जरूरी है। और इसके लिए एमएस एक्सेस, जो कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपको प्रोवाइड करता है रिपोर्ट्स की सहूलत, जिसके जरिए आप अपने टेबल्स को रिपोर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, आइए जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप अपने डेटाबेस में सबसे पहले इस नेविगेशन पेन को खोलेंगे। इसके बाद आपको इस टेबल्स के ऑप्शन के नीचे कई सारे टेबल्स नजर आ रहे हैं। तो जिस भी टेबल की आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, सबसे पहले उस टेबल को ओपन करना जरूरी है। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टेबल ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप इसकी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सबसे पहले इस क्रिएट के टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स का ग्रुप नजर आ रहा होगा और इस रिपोर्ट्स के ग्रुप में जो सबसे पहला बटन आपको नजर आ रहा है रिपोर्ट का, आप इस पर जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस कस्टमर टेबल पर बेस्ड करती हुई रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। यानी जो जो इसकी फील्ड्स थी वो आपको रिपोर्ट्स में नजर आ रही है और जो इस कस्टमर टेबल का डेटा था, रिकॉर्ड थे, वो भी आपको इस रिपोर्ट में नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि रिपोर्ट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। दोस्तों, ये जो आपको सबसे टॉप पर ग्रे कलर की एक लाइन नजर आ रही है, एक रेक्टेंगुलर शेप नजर आ रही है, ये कहलाती है रिपोर्ट हेडर, जिसके ऊपर दरअसल आपकी रिपोर्ट का टाइटल डिस्प्ले हुआ हुआ होता है कि इस ये जिस टेबल की रिपोर्ट है उस टेबल का नाम क्या है, ये रिपोर्ट कब जनरेट की गई है, इसकी टाइमिंग्स क्या है। के बाद दोस्तों, ये कहलाता है पेज हेडर, जिस पर दरअसल लेबल्स होते हैं आपके टेबल की फील्ड्स के। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे इस टेबल में फील्ड्स थी कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस एंड कस्टमर सिटी। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट का पेज हेडर है, ये तमाम फील्ड्स एज अ लेबल यहाँ पर रखी होंगी, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस एंड कस्टमर सिटी। इसके बाद दोस्तों, ये जो पूरा ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड डिटेल सेक्शन, जिसके अंदर दरअसल आपके तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे। यानी एक टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो तमाम रिकॉर्ड्स इस डिटेल सेक्शन के अंदर लिखे हुए होंगे रिपोर्ट के। और यहाँ पर आखिर में इस डिटेल सेक्शन के नीचे आपको नजर आ रहा है रिपोर्ट फुटर। दोस्तों, ये रिपोर्ट फुटर ये बताता है कि एक रिपोर्ट में कितने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस टेबल में देखें तो टोटल 7 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जब हमने इसकी रिपोर्ट तैयार करी। तो अब यहाँ पर ये आपको बता रहा है रिपोर्ट फुटर का ऑप्शन कि यहाँ पर कितने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं इस रिपोर्ट के अंदर। और ये आखिर में आपको नजर आ रहा है पेज फुटर, जो कि ये बताता है कि एक रिपोर्ट जो है वो कितने पेजेस पर मुश्तमिल है। क्योंकि दोस्तों, अभी हमने ये डमी टेबल बनाया है तो इसमें चंद ही रिकॉर्ड्स मौजूद है, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि एक कंपनी में 1000 ऑफ कस्टमर्स मौजूद होते हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे, तो वो एक पेज पर तो नहीं आ सकते। तो एक रिपोर्ट, याद रखिए, मल्टीपल पेजेस पर भी मुश्तमिल होती है। तो ये जो आपको पेज फुटर नजर आ रहा है, ये बताता है कि एक रिपोर्ट में कितने पेजेस मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था रिपोर्ट का फॉर्मेट। दोस्तों, यहाँ पर हमारे लेक्चर का अख्तिताम हुआ, जिसमें हमने सीखा कि आप एक सिंपल रिपोर्ट को, एक टेबल पर मुश्तमिल एक सिंपल रिपोर्ट को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं और साथ के साथ रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अगले लेक्चर में हम रिपोर्ट्स को विजिट विंडो के थ्रू ओपन करना सीखेंगे, क्रिएट करना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।